बच्चे गाने गा रहे थे, कुछ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और कुछ चादर बिछा कर बातचीत कर रहे थे। पुष्पा और पंकज गेंद से पास पास खेल रहे थे। खेलते खेलते पुष्पा के हाथ से गेंद फिसल कर पास ही गुलाब के फूल पर जा लगी। अरे पुष्पा, गुलाब का पौधा कहीं टूट तो नहीं गया? देखते हैं पंकज। नहीं नहीं, पौधा सही सलामत है। पंकज ये देखो, यहाँ गुलाब के अलावा और भी छोटे छोटे फूल के पौधे हैं। ये शाख और झाड़ी प्रकार के पौधों के अच्छे उदाहरण हैं। तभी पिताजी पास आते हैं। अरे वाह पुष्पा, तुम्हें पता है कि गुलाब का पौधा एक झाड़ी? यह मुझे भी पता है पिताजी, हमें कल की कक्षा में पढ़ाया गया है कि पौधे चार प्रकार के होते हैं। अच्छा बताओ कौन से? शाख, झाड़ी, वृक्ष एवं लताएं भी दो प्रकार की होती हैं। विसर्पी लताएं और आरोही लताएं। पिताजी ये मुझे बताना था। अच्छा अच्छा पंकज, एक काम करते हैं, पौधों के कुछ प्रकार तुम समझाओ और कुछ मैं समझाती हूँ। ऐसे हम दोनों को पूरी तरह समझ भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, मैं शाख से शुरू करता हूँ। देखो ये जो छोटे पौधे हैं ना, जिनका तना नाजुक होता है, इन्हें शाख कहते हैं। धनिया, पुदीना, मूली, गाजर, शलगम, गेहूं, चावल, सरसों आदि शाखों के अन्य उदाहरण। बहुत अच्छे, मैं एक मजे की बात बताता हूँ। ज्यादातर शाख पौधे छोटे होते हैं, लेकिन केले का पौधा भी एक शाख है और वह काफी बड़ा होता है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि केले का पौधा भी शाखों में गिना जाता है। अच्छा अब मैं बताती हूँ झाड़ियों के बारे में। ये पौधे छोटे एवं मध्यम आकार के होते हैं और इनके तने कठोर किंतु पतले होते हैं। इनकी शाखाएं भी जमीन के पास से ही निकलना शुरू कर देती हैं। नींबू, तुलसी, गुलाब और अनार झाड़ियों के कुछ उदाहरण हैं। पौधों का अगला प्रकार है पेड़। इनके तने बेहद कठोर तथा मोटे होते हैं और शाखाएं जमीन से काफी ऊपर उठी होती हैं। आम, खजूर, नारियल आदि पेड़ों के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ रेडवुड है, जो कि 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है, यानी लगभग 300 मंजिला इमारत से भी ऊंचा। ये पेड़ अमेरिका में पाया जाता है। क्या इतनी ऊंची तो हमारे शहर की विसर्पी लताएं, जो जमीन से ऊपर ही नहीं उठती। लताओं के तने कोमल होते हैं पुष्पा, इसीलिए ये जमीन पर ही इधर उधर फैल जाती हैं। कद्दू, तरबूज, खरबूजा आदि विसर्पी लताओं के उदाहरण हैं। तरबूज, खरबूजे और आम के बारे में सोचकर तो मुंह में पानी आ गया। अच्छा क्या लौकी के बारे में सोचकर भी मुंह में पानी आता है? लौकी मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मुझे नहीं पसंद। मुझे तो पसंद है, ये पौष्टिक फल जो हम सब्जी की तरह पकाकर खाते हैं, हमें आरोही लताओं से मिलता है। ये लताएं अपने आसपास के पेड़ों, सीढ़ियों या अन्य मजबूत चीजों के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। अंगूर भी आरोही लता का एक उदाहरण है। ये बताओ तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें पौधों के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ हाँ पूछो। दुनिया का सबसे बड़ा फल किस पेड़ में लगता है? अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लताओं के बारे में बात हो रही है तो तरबूज ही होगा। तरबूज? क्या आपको पता है? सही कहा, कटहल का फल सभी फलों से बड़ा होता है और कटहल के पेड़ पे लगता है। पता है कटहल का एक फल 50 किलो तक का भी हो सकता है। पुष्पा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें तुमसे ज्यादा पता है। आज तो मजा आ गया और ये भी पता चला कि मेरे दोनों बच्चे बहुत होशियार हैं। अब अंधेरा होने लगा है, घर चलने की तैयारी करो। अरे कितना मजा आ रहा था। कोई बात नहीं, कल शाम सुंदर अंकल के बागीचे में चलते हैं। हाँ पुष्पा पक्का चलेंगे, क्योंकि अभी तो हमें पौधों के तनों, फूलों और उनकी जड़ों आदि पर भी चर्चा करनी है। चलो बच्चों देर हो रही है। हाँ पिताजी चलते हैं।